जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2024 को लेकर के, कि जो भी साथी हैं, जो भी भाई बहन हैं, जो यूटीबी के तहत संविदा पे लगे हुए थे, सरकारी अस्पतालों में जो लगे हुए थे, समझ रहे हो, उन्हीं की खबर है साथियों कि भाई किनको हटाया गया है, किनको नहीं हटाया गया है। इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है विभाग की ओर से, तो उसी की चर्चा हम करने वाले हैं दोस्तों कि यूटीबी संविदा कर्मी जो भी भाई लगे हुए थे, किन किन को हटाया गया है और किन को नहीं हटाया गया है। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में, और नई भर्ती यूटीबी की संविदा भर्ती उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, जो भी भाई बहन यूटीबी संविदा कर्मी लगे हुए थे, सरकारी अस्पतालों में जो लगे हुए थे, नर्सिंग स्टाफ में थे, पैरामेडिकल स्टाफ में थे, चिकित्सक थे, उनके बारे में विभाग से एक नोटिफिकेशन आया है, एक नोटिस जारी किया गया है उनको हटाने के बाबत, तो उसी को हम देख लेते हैं। राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2024 यूटीबी संविदा भर्ती, पुराने यूटीबी संविदा कर्मियों को हटाया। जी हाँ साथियों, ये ताज़ा ही नोटिस आया है। इस नोटिस में बाकायदा लिखा हुआ है कि जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं यूटीबी संविदा कर्मी, उनको हटा दिया गया है साहब। अब उनको हटा दिया गया है तो साहब, और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं वो भी इस कन्फ्यूजन में, एक साहब हमें भी हटा दिया क्या, हमें भी हटा दिया क्या। नहीं, उनको सभी को नहीं हटाया गया है, सभी को नहीं, जिसकी सेवाएं समाप्त हो चुकी थी 31 दिसंबर 2023 को, उनको हटाया गया है, और जो बाकी के हैं उनको नहीं हटाया है। अभी देखते हैं पूरी जानकारी के साथ। सबसे पहले समस्त CMHO और PMO को विभाग ने दिया प्रपत्र, यानी कि जितनी भी सरकारी अस्पतालें हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, उन सभी को विभाग की ओर से प्रपत्र जारी किया गया है कि भाई तुम्हारे अंडर जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, चिकित्सक हैं, तो कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली हैं, उनकी लिस्ट हमें बताओ, और कौन कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सेवाएं अभी समाप्त नहीं होंगी, मार्च 2024 में होंगी, तो उनका ब्यौरा हमें दो, ये बात है। तो विषय क्या था, यूटीबी के अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं समाप्त करने बाबत, यानी कि जिनकी सेवाएं समाप्त हुई हैं वो 31 दिसंबर 2023 को संपूर्ण हो चुकी हैं उनकी सेवाएं, उनको हटाया गया है दोस्त। अच्छा, जिनकी सेवाएं 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो चुकी हैं, कि भाई 31 दिसंबर को उनकी संविदा की जो तिथि थी, जो डेट थी, जो उनका कार्यकाल था, वो समाप्त हो चुका है, उनको हटाया गया है, और जिनकी सेवाएं मार्च 2024 को समाप्त होंगी, उनकी सेवाएं अभिवर्धि होंगी। साथियों, इसका विवरण मांगा था विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों से, हॉस्पिटलों से, कि भाई कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनका नाम, गांव, पता, एड्रेस वगैरह सब कुछ दो, उसका विवरण दो हमें कि भाई इनकी सेवाएं मार्च 2024 में पूरी होंगी, अभी नहीं हुई है, तो उनकी फिर सेवाओं में अभिवृद्धि की जाएगी, उनको फिर मार्च तक और रखा जाएगा, आगे भी बढ़ाया जा सकता है उनका। तो अच्छा, अब देखो 2022-23 के यूटीबी संविदा कर्मी, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ पद पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाओं में दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक अभिवृद्धि की गई है। तत्पश्चात सभी कार्यरत यूटीबी संविदा कार्मिकों की सेवाएं समाप्त समझी जावें, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक ही इनकी जो अभिवृद्धि थी वो बढ़ाई गई थी, 31 दिसंबर 2023 के बाद
इनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त समझी जावे। बाकायदा इसमें नोटिफिकेशन आया है, विभाग के अनुसार ही ये बताया गया है कि जो भी भाई बहन यूटीबी संविदा कार्मिक लगे हुए थे और जिनकी सेवाएं 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाती हैं, उनको नहीं आना है अब ड्यूटी पे। और जो पहले नोटिस दे दिया गया था उन अस्पतालों को कि आप ही भेजो हमारे पास विवरण, तो अस्पतालों ने विवरण भेजा है कि ये कर्मचारी हैं जो अभी इनकी जो है जॉइनिंग अभी हुई है, एक साल पूरी नहीं हुई है, किसी की दो साल पूरी नहीं हुई है, इस हिसाब से। अब बाकी आप परेशानी में आ गए कि सभी हट गए क्या, सारे हट गए क्या, सारे नहीं हटे हैं दोस्त, जिनकी सेवाएं समाप्त हुई है लास्ट दिसंबर 2023 में उनको ही हटाया गया है, बाकी सबको नहीं हटाया है। और तो फिर अब उनकी सेवाएं पूर्ण होंगी तभी तो हटाएंगे ना, इससे पहले नहीं हटाएंगे। तो अब आप ये समझ सकते हो कि अब पद खाली हो चुके हैं, भाई इनको हटा दिया है सरकार ने, तो अब खाली पद हुए हैं तो नई भर्ती भी आएगी और नई भर्ती यूटीबी संविदा के ऊपर ही आएगी। तो जैसे ही हमको सूचना मिलेगी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। जो भी भाई बहन यूटीबी संविदा कार्मिक में लगना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़े रहना, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको तुरंत शेयर कर देंगे। तो ये है आज की खबर दोस्तों। पिछले जो पुराने भाई बहन लगे हुए थे यूटीबी संविदा कर्मी में, उनको हटाया गया है, नए हैं जिनको नहीं हटाया गया है, समझ रहे हो। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।